बुद्ध एक गांव में आए हैं तो जैसे ही खबर मिली उस गांव के सम्राट ने अपने वजीरों को बुलाया और कहा कि तैयारी करो स्वागत की, मैं राज्य की सीमा पर बुद्ध का स्वागत करूंगा। उसके वजीर ने कहा आप खुद ही स्वागत करने जाएंगे, बुद्ध तो एक भिखारी है, एक सम्राट उनके स्वागत को जाए, वजीर की भी आंख देखो कैसी है। सम्राट को बात जम गई। उसने कहा कि बात तो तेरी ठीक है, एक सम्राट के जाने का क्या मतलब। तब वजीर हंसने लगा और उसने कहा कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर ले। देखिए वो राजा से भी समझदार निकला, क्योंकि जो सम्राट बुद्ध जैसे भिखारी के स्वागत को नहीं जाता वह सम्राट होने के योग्य ही नहीं है। मैंने तो इसलिए सवाल उठाया था कि देखूं आपकी भीतरी अवस्था क्या है, और ध्यान रहे तुम सम्राट हो, बुद्ध भिखारी हैं, लेकिन उनका भिखारीपन तुमसे आगे है। वे सम्राट थे, सम्राट रह सकते थे, लेकिन उसे छोड़कर अब वे भिखारी हैं, इसलिए उनके भिखारी की जो गरिमा है वह तुम्हारे साम्राज्य और तुम्हारे सिंहासन से बड़ी है।